सुपर पावर्स, मैजिक, टेलीपोर्टेशन, क्या आप इन सभी बातों में यकीन रखते हैं? और क्या हो अगर आप एक दिन सोकर उठें और एक सुपर हीरो में बदल जाएं? ठीक वैसे ही जैसे कि स्पाइडरमैन मूवी में दिखाई गए मेरे और आपके जैसा ही एक आम से लड़के को एक मकड़ी काट लेती है और कुछ अनोखी शक्तियां दे जाती है। सिर्फ स्पाइडरमैन मूवी ही नहीं बल्कि ऐसे न जाने अभी तक कितनी मूवीज बन चुकी हैं जिसमें एक आम इंसान को जाने अनजाने में किसी दुर्घटना के बाद सुपर पावर्स की प्राप्ति हो जाती है। तो क्या ऐसा सच में संभव है? क्या कोई इंसान कभी सुपर ह्यूमन में बदल सकता है? और आप भी यही सोच रहे हैं कि कितना अच्छा होता अगर ऐसा सच में मुमकिन हो पाता, तो चलिए आपको अंधेरे में न रखते हुए साफ साफ बता दूं कि ये सब एकदम मुमकिन है। हमारी इस दुनिया में ऐसे न जाने कितने ही लोग मौजूद हैं जो किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गए और उन्हें कुछ अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति हो गई। ये शक्तियाँ कुछ ऐसी थी जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी को ही बदल के रख दिया। तो चलिए दोस्तों एक नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही लोगों के ऊपर जिनके लिए कुछ घटनाएं एक वरदान की तरह साबित हुई। लेट्स बिगिन। नंबर 5, जेसन पैडगेट। जैसन एक साधारण सा लड़का था जिसे दोस्तों के साथ घूमना और पार्टी करना काफी पसंद था और न ही तो इनका पढ़ाई में कुछ ज्यादा मन लगता था। इनका मानना था कि पढ़ लिख कर क्या फायदा और मैथ जैसी चीजों का असल जिंदगी में कोई महत्व ही नहीं। लेकिन आज जैसन दुनिया के जाने माने मैथमेटिशियन है। इनका दिमाग इतना तेज है कि दुनिया के कुछ चुनिंदा जीनियस की लिस्ट में इनका नाम भी शामिल है। इनके लिए मैथ्स की मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना चुटकियों का खेल है। पर ये सब आखिर हुआ कैसे? कैसे एक आम सा लड़का जिसका पढ़ाई से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, वो आज इतना बड़ा जीनियस बन गया जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है? तो इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है। बात है 13 सितंबर 2002 की। जैसन रोज की तरह ही लेट नाइट पार्टी कर अपने घर वापस जा रहे थे कि तभी इन्हें लूटने की मंशा से कुछ लोगों ने इन पर हमला कर दिया जिससे उनके सर पर काफी गहरी चोटें आती हैं और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। इस घटना के बाद जैसन की जान तो बच जाती है लेकिन अब उनके लिए कुछ भी पहले जैसा नॉर्मल नहीं था। उनके घर वापस लौटते ही उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उनके दिमाग में चीजों को देखते ही काफी अलग से पैटर्न्स बनने लगते थे जैसे मानो असल जिंदगी में कोई वीडियो गेम चल रही हो। और थोड़े दिन बीतने के बाद जैसन का दिमाग अपने आप खुद से ही मैथ्स की मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने लगता है। उनका दिमाग पूरी तरह से बदल चुका था। अब उन्हें हर एक चीज में साइंस फिक्शन मूवीज की तरह अलग से जियोमेट्रिक्स पैटर्न्स नजर आने लगते हैं जिन्हें वो लोगों को स्केचिंग की मदद से समझाते हैं। इसके बाद उनके दिमाग की जांच की जाती है तो पता चलता है कि उस एक्सीडेंट के बाद जैसन के दिमाग का वो हिस्सा अनलॉक हो गया था जो कि आमतौर पे बंद ही रहता है। नॉर्मली ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी में अपने दिमाग का 10% हिस्सा भी इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन जैसन की सोच उस एक्सीडेंट की वजह से इससे काफी आगे निकल चुकी थी। उस हादसे ने उन्हें कुछ कमाल की शक्तियां तोहफे के तौर पर दे दी थी। नंबर 4, डेरेक अमाटो। पानी जो जीवन देता है, लेकिन क्या ये किसी के जीवन में कुछ नई शक्तियां भी ला सकता है? और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान पानी में डुबकी लगाने के बाद पूरी तरह से बदल चुका हो? सुनने में काफी फिल्मी सा लगता है पर हकीकत में ऐसा हो चुका है। ये है डेरेक अमाटो जो कि एक पियानिस्ट है। जब ये 39 साल के थे तब ये एक सुबह अपने स्विमिंग पूल में तैरने के लिए जा रहे थे जहाँ पर फिसलन की वजह से इनका पैर फिसल जाता है और ये सीधा अपने सर के बल उस पुल में गिर जाते हैं। जैसे तैसे ये अपनी जान बचाकर खुद को उस पुल से तो निकाल लेते हैं लेकिन इनकी सुनने की क्षमता 35% तक कम हो जाती है। एक म्यूजिशियन के लिए उनके सुनने की शक्ति क्या मायने रखती है ये बात तो आप भली बात जानते होंगे। लेकिन थोड़े समय बाद निराशा से जूझ रहे डेरेक को कुछ कमाल का अनुभव होने लगता है। वो ये नोटिस करते हैं कि अब वो म्यूजिक को सुनने के साथ साथ उसे देख भी पा रहे थे। उन्हें म्यूजिक काले और सफेद स्क्वायर के रूप में नजर आने लगा था। इस एक्सीडेंट के पहले डेरेक सिर्फ गिटार ही बजाया करते थे लेकिन अब वो देखते ही देखते वो पियानो जैसे और भी कई इंस्ट्रूमेंट्स को भी एक प्रोफेशनल तरीके से बजा पा रहे थे। और ताजुब की बात है कि उन्होंने आज से पहले नहीं तो कभी इसे बजाया था और नहीं कभी सीखा था। डॉक्टर्स का कहना था कि डेरेक को सिनेस्थीजिया नाम की एक रेयर बीमारी हो चुकी है। अब इसे एक बीमारी कहा जाए या किसी तरह की सुपर पावर जिसमें एक इंसान की देखने, सुनने और सूंघने की क्षमता के साथ साथ बाकी के सेंसेस भी एक आम इंसान से दुगनी हो जाती है। अब अपने इसी कमाल की शक्ति के दम पर आज डेरेक दुनिया भर के एक लोकप्रिय म्यूजिक कंपोजर और एक जाने माने पियानिस्ट बन चुके हैं। शायद ही इन्होंने कभी सोचा होगा कि एक छोटी सी घटना इनकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगी। नंबर 3, फ्रैंको मैग्नानी। 1960 में फ्रैंको नाम का एक आदमी काम की तलाश में इटली से सैन फ्रांसिस्को में आता है जहां पर पहुंचते ही उनके अचानक से तबीयत खराब होने लगती है और देखते ही देखते उनकी हालत मरने वाली हो जाती है। डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके शरीर में चल क्या रहा है। कोई दवा असर ही नहीं कर रही थी और फ्रैंको का बुखार बिगड़ता ही चला जा रहा था। काफी समय ऐसे ही बीमार रहने की वजह से इस बीमारी ने उसे अंदर से बदलना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ समय बाद रहस्यमय तरीके से फ्रैंको की वो बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाती है। पर जाते
जाते वो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। उसे कुछ अलग से सपने आने लगते हैं, यहाँ तक कि उसकी कई साल पहले की बचपन की यादें भी एकदम ऐसे ताजा हो जाती हैं, जैसे मानो ये सब कल की ही बात हो। इसके बाद उसे अचानक से पेंट करने की इच्छा पैदा होने लगती है। हालांकि उसका बचपन से लेकर आज तक पेंटिंग से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था, पर जैसे ही वो ब्रश उठाकर पेंटिंग करता है वो इतनी हाई क्वालिटी के पोर्ट्रेट बना देता है जिसे देखकर बड़े बड़े आर्टिस्ट भी दंग रह जाते हैं। पर हैरानी की जो बात थी वो ये थी कि फ्रैंको द्वारा बनाया गया एक एक पोर्ट्रेट असल जिंदगी में भी मौजूद था, जिसे उसने अपनी यादों में बनाया था। उसके बनाए गए पोर्ट्रेट्स में वो एक एक घर, वो एक एक जगह की डिटेलिंग एकदम एग्जैक्टली वैसे की वैसे ही थी जैसा कि उन्होंने उसे अपने बचपन में देखा था, और ये सभी मेमोरीज उस समय से 30 साल पुरानी थी। तो ये सब कैसे संभव था? कोई इंसान जिसने कभी जिंदगी में पेंट ब्रश को छुआ तक न हो, वो 30 साल पुरानी यादों में छुपे एकदम सटीक पोर्ट्रेट्स आखिर कैसे बना सकता था? तो क्या उस बीमारी ने उसे किसी तरह की कोई सुपर पावर्स दे दी थी जिसकी वजह से फ्रैंको मैग्नानी को आज दुनिया भर में द मेमोरी आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है? उनके द्वारा बनाई गई उन पेंटिंग्स को दुनिया भर की आर्ट गैलरी में लगाकर लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कोई इंसान अपनी यादों को कितनी बारीकी से याद रखकर उसे पेंटिंग का रूप दे सकता है। वैसे तो फ्रैंको आज 46 साल के हो चुके हैं, पर फिर भी अगर उन्हें आधी रात को भी कोई याद ताजा हो जाती है तो वो उसी समय अपने पेंट ब्रश उठाकर काम पर लग जाते हैं। नंबर 2, ली असेक। स्कूल में हमेशा से पढ़ाई में पीछे रहने वाले लीक को नई नई गाड़ियों और बाइक से रेस लगाने का काफी शौक था, लेकिन एक गड्ढे में गिर जाती हैं, जिससे उनके सर पर गहरी चोट आने के साथ साथ उनकी रीढ़ की हड्डी भी टूट जाती है। डॉक्टर्स जैसे तैसे करके उनकी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन इस हादसे में ली की यादाश्त चली जाती है और डॉक्टर्स ये बात साफ साफ कह देते हैं कि वो अब फिर से कभी अपने पैरों पर दोबारा नहीं चल सकेगी। पर कहते हैं ना कि किसकी किस्मत में आखिर क्या लिखा है ये बात कोई नहीं जानता, और ली की किस्मत काफी अच्छी निकलती है क्योंकि इस हादसे के बाद लीक सिर्फ चलती ही नहीं बल्कि उसमें कुछ अलग से गुण, कुछ अलग सी काबिलियत दिखाई देने लगती है। वो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट बन जाती है। उसका मैथ्स, जिसमें उसने कभी रुचि भी नहीं दिखाई दी थी, वो काफी अच्छा हो जाता है, यहाँ तक कि अब वो शायरी भी करने लगती है। और सबसे मजे की बात, वो दावा करती है कि वो आवाज को देखने के साथ रंगों को सुन भी सकती है। लोग ली की इस बात पर यकीन करने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि ली सुर्खियों में आने के लिए दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए सभी को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। फिर उसके बाद लीक के दिमाग के ऊपर बहुत से रिसर्चर्स के द्वारा कई सारी स्टडीज की जाती हैं, तो पता चलता है कि उसकी एक एक बात बिल्कुल सच है। वो सेवन नाम की एक सिंड्रोम से ग्रस्त हो चुकी थी, जिसकी मदद से वो अपने दिमाग के उस हिस्से को भी काम में ला पा रही थी जो कि आमतौर पर काम ही नहीं करता। साथ ही इन वैज्ञानिक परीक्षणों में ये बात भी सामने आती है कि उसे किसी तरह का कोई भी इमोशन महसूस ही नहीं होता, मतलब वो ये नहीं जानती कि खुशी क्या होती है और दुख क्या। अब आखिर इस नो इमोशन वाले सिंड्रोम को क्या कहा जाए? एक सुपर पावर जिसमें किसी तरह का कोई मानसिक तकलीफ ही नहीं होता, या फिर कोई लॉस जो इंसान को कभी खुशी महसूस होने ही नहीं देगा? डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, टॉनी सिकोरा। टॉनी से मिलिए। ये पेशे से एक डॉक्टर हैं, लेकिन 1994 में इनके साथ एक ऐसा हादसा होता है जो इनकी पूरी दुनिया को ही बदल कर रख देती है। टॉनी घर से बाहर फोन पर बात कर रहे थे कि अचानक से उनके ऊपर आसमान को चीरती हुई बिजली आ गिरती है, जिससे वो जमीन पर गिरकर बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। टॉनी का कहना था कि उस समय मुझे एक नीले रंग की लाइट नजर आने के साथ साथ जिंदगी की अच्छी और बुरी हर तरह की मेमोरीज आंखों के सामने घूम रही थी। लकली उस समय टॉनी के पास खड़ी एक औरत जो कि एक हॉस्पिटल में नर्स थी, उसे CPR दे देती है और उसे वापस होश में लाकर उसकी जान बचा लेती है। लेकिन इस घटना के थोड़े समय के बाद टॉनी को याददाश्त की समस्या होने लगती है, और जब वो इसकी जांच डॉक्टर से करवाते हैं तो उनकी सारी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल ही आती है। टॉनी समझ नहीं पाता कि आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है, और कहानी तब नया मोड़ ले लेती है जब उसे अचानक से काफी ज्यादा पियानो को सुनने की इच्छा होने लगती है। हालांकि टॉनी इससे पहले म्यूजिक लवर बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन टॉनी एक पियानो को खरीद कर घर ले आता है और उसे बजाना शुरू कर देता है, और देखते ही देखते टॉनी एक म्यूजिक कंपोजर बन जाता है। और इतना ही नहीं, टॉनी के अंदर बाकी भी बहुत सी तरह की कमाल के हुनर आ जाते हैं। उस लाइटनिंग वाले हादसे ने टॉनी के दिमाग का वही सोया हुआ हिस्सा जगा दिया था जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जरा सोचिए, अगर हम इंसान किसी तरह से एक दिन अपने दिमाग को पूरी तरह से अनलॉक कर पाए तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आखिर किसकी किस्मत में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता, और हर एक दुर्घटना बुरी ही नहीं होती, कुछ घटनाएं तो ऐसे नायाब तोहफे भी दे जाती हैं। और जब भी कभी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें उस वक्त ऐसा लगता है कि ये सब सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब के पीछे भी कुछ ना कुछ अच्छा जरूर छुपा होता है। और हाँ, एक और बात, इस वीडियो को देखने के बाद जानबूझकर खुद के साथ कुछ बुरा हादसा होने की उम्मीद मत कर बैठना, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक इंसान इनकी तरह ही इतना लकी हो कि उनके साथ वो दुर्घटना कुछ अच्छा ही कर जाए। और अगर आपको कुछ अच्छा करना ही है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर डालो, और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बगल में इस घंटी को दबाए बिना मत जाना। मैं फिर मिलता हूँ आपको ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें यूनिवर्स एडवेंचर के फैमिली का हिस्सा।